नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको बताएंगे कीनू के कुछ खास फायदे, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं कीनू के कुछ फायदों के बारे में। कीनू नींबू वंश का एक फल है। इसको खाने के कई सारे फायदे हैं क्योंकि ये साइट्रस फलों में से एक है। ये खट्टा मीठा फल होता है और इसका खट्टापन आपकी बॉडी में जमा गंदगी को यूरिन के माध्यम से बाहर करने में मदद करता है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, शुगर और सोडियम आपकी बॉडी में सभी का संतुलन बनाए रखते हैं, जो आपको शरीर में होने वाली हर परेशानी से दूर रखता है। इसका सेवन आपकी किडनी को अंदर से साफ रखने में मदद करता है, साथ ही किडनी स्टोन की समस्या को होने से रोकता है। जिनकी किडनी में स्टोन की समस्या है, ऐसे लोग कीनू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें किडनी में स्टोन के अलावा और कोई दिक्कत है, उन्हें इसका सेवन पूरी तरह वर्जित है। पर जिनकी किडनी स्वस्थ है और वो अपनी किडनी हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कीनू के कुछ खास फायदे। कीनू का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आपका शरीर रोग से लड़ने को तैयार रहता है। इसके साथ ही कीनू का सेवन आपके रक्त संचार को सही रखता है। कीनू का सेवन आपके ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे आपका हार्ट रक्त को ठीक से पंप कर पाता है और आप हार्ट की परेशानी से दूर रहते हैं। कीनू आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे आपकी किडनी के काम पर कोई दबाव नहीं आता और किडनी ठीक तरह से काम कर पाती है। इसके साथ ही इसका सेवन आपके पाचन को ठीक रखता है। तो ये हैं कीनू के कुछ फायदे, लेकिन किडनी के मरीज इसका सेवन ना करें और किडनी स्टोन वाले मरीज भी इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमरनाथ पांडे जी। मरीज कौन है आपके? मरीज मेरी मिसेज है। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी उनको जब मेरे पास आए थे? प्रॉब्लम में हो रही थी, उनको बुखार आ रहा था, उल्टी हो रहा था और किडनी का ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिख रहा था। मैं बहुत जगह इलाज करा लिया, जैसे PGI चंडीगढ़, BHU, हर जगह में घूम के फिर आया। हाँ जी। तो पहले डायलिसिस कितनी बार करा रहे थे? डायलिसिस पहले हमारा हफ्ते में एक बार हो रहा था। अच्छा, अभी कितनी बार करा रहे हो? अभी तो हम 10-12-13 दिन के बाद एक बार करते हैं। तो कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कोई परेशानी नहीं है? नहीं, परेशानी तो। डायलिसिस की आवश्यकता लगती है? डायलिसिस की अभी तो मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आप बोलेंगे उसी के अनुसार हम कोई भी। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद।